अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। सवाल नंबर एक, इस्लामी साल में रमज़ान कौन सा महीना है? आपके ऑप्शन है ए दूसरा महीना, बी पांचवा महीना, सी सातवा महीना, डी नौवा महीना। सही जवाब है रमज़ान नौवा महीना है इस्लामी साल का। सवाल नंबर दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी बार दुरूद पढ़ना फ़र्ज है? आपके ऑप्शन हैं ए 1000 बार, बी 12000 बार, सी 1 बार, डी 1,00,000 बार। सही जवाब है सी 1 बार दरूद पढ़ना फ़र्ज है आप पर। सवाल नंबर तीन, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों की ग़ार में कितने दिन रखा गया? आपके ऑप्शन हैं ए 1 दिन, बी 3 दिन, सी 7 दिन, डी 10 दिन। सही जवाब है सी 7 दिन दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों की ग़ार में रखा गया। सवाल नंबर चार, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम बताएं। आपके ऑप्शन हैं ए ज़बूर, बी तौरात, सी इंजील, डी कुरान शरीफ। सही जवाब है बी तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब है। सवाल नंबर पाँच, अल्लाह पाक ने पहाड़ों को किस दिन पैदा किया था? आपके ऑप्शन हैं ए पीर के दिन, बी मंगल के दिन, सी जुमा के दिन, डी इतवार के दिन। सही जवाब है डी इतवार के दिन अल्लाह पाक ने पहाड़ों को पैदा किया था। सवाल नंबर छः, कुरान शरीफ की कौन सी सूरत पढ़ने से इंसान मालदार हो जाता है? आपके ऑप्शन है ए सूरे फातिहा, बी सूरे वाकया, सी सूरे यूसुफ, डी सूरे यासीन। सही जवाब है बी सूरे वाकया। आयत में है जो कोई सूरे वाकया मगरिब की नमाज के बाद पढ़ेगा उसके घर में कभी फाका नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, यह मालूमाती तोहफ़ा आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सवालों के जवाब आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।